कुपोषित परिवारों को गाय देगी योगी सरकार। भरण पोषण के लिए प्रतिमाह मिलेंगे 900 रुपए। पोषण संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। सबसे अच्छे जिले को मिलेगा अवार्ड। आर्थिक संकट से जूझ रहे कुपोषित परिवारों के लिए योगी सरकार ने एक बड़ी राहत का ऐलान किया है। योगी सरकार ने कुपोषित परिवारों को गाय रखने के लिए साथ ही निराश्रित गौवंश आश्रय स्थल से गाय उपलब्ध कराने का जिला प्रशासन को निर्देश दिया है। इसके लिए योगी सरकार प्रतिमाह 900 रुपए भी देगी। ये व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गौवंश सहभागिता योजना के तहत की जा रही है। साथ ही सरकार ने ऐसे परिवारों को अच्छे से अच्छा पोषण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उन्हें किचन गार्डन विकसित करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करने पर भी जोर दिया है। दरअसल यूपी सरकार प्रदेश में कुपोषण कम करने की कोशिश कर रही है। इसी के तहत 7 सितंबर से पोषण माह भी चलाया जा रहा है। इस एक महीने में प्रदेश में अलग अलग स्तर पर कुपोषित परिवारों पर ध्यान देने, पोषण आहार को लेकर जागरूकता फैलाने और कुपोषित परिवारों को जरूरी रिसोर्स उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया जाएगा। सीएम योगी ने 6 महीने में कुपोषण की दर को 1% नीचे लाने का लक्ष्य रखा है। इसी के तहत गाय पालने को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार कुपोषण से जूझ रहे परिवारों को किचन गार्डन बनाने के लिए भी प्रोत्साहित करेगी, ताकि उनको और उनके परिवार को पोषण वाले खाद्य पदार्थ मिल सके। इसके अलावा सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन बच्चों को चिन्हित भी किया जाएगा। जानकारी के अनुसार मार्च 2021 तक ये देखा जाएगा कि कौन सा जिला कुपोषण को कम करने में कैसा काम कर रहा है। इसके आधार पर जो जिला सबसे अच्छा काम करेगा उसे पुरस्कार भी दिया जाएगा। न्यूट्रिशन ड्राइव का अलग अलग स्तर पर लगातार रिव्यू किया जाएगा। जिला स्तर पर हफ्ते दर हफ्ते रिव्यू किया जाएगा। मुख्य सचिव स्तर पर महीने दर महीने रिव्यू और सीएम हर 2-2 महीने में रिव्यू करेंगे कि कुपोषण दूर करने का काम कैसा चल रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले 4 सितंबर को योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम जिलों के ऐसे परिवारों से बात की जिन्होंने कुपोषण को दूर करने के लिए अच्छा काम किया है। इनमें बहराइच, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर और बाराबंकी जिलों के लोग शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।